हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो मेरे चैनल में आप सबका दिल से वेलकम है। तो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड, आज की रेसिपी बहुत ही सिंपल और बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी है, और इसे बहुत जल्दी में ये वीडियो मैंने बनाया है। तो फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट डे ये वीडियो जाने वाली है मॉर्निंग में, और ये बन रहा है इवनिंग में, यानी शाम को डिनर के टाइम पर बन रहा है। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम लोग करेले का कलौजी बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर करेले को लेकर इसे अच्छे से वाश कर लिया है, और इसे बीज से कट लगाएंगे, हाफ कट, पूरे नीचे तक कट नहीं लगाना है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें बीज नहीं है, जिसमें बीज होगा टाइट थोड़ा होगा उसमें से बीज निकाल लेंगे, और बीज भी आसानी से निकल जाता है। तो चलिए फ्रेंड, इसे इसी तरह से सारे को बीज से कट लगाते हैं, और बीज जिसमें भी होगा उसमें से बीज निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इसमें बीज थोड़ा सा टाइट है, तो आप चाहे तो निकाल सकते हैं। अगर आपको पसंद है इसी तरह से खाना तो आप इसी में छोड़ दीजिए, मसाले भर दीजिएगा। तो फ्रेंड, चलिए यहाँ पर चम्मच की मदद से निकाल लेते हैं बीज को, और जो भी जिसमें भी थोड़ा सा बीज होगा उसमें से निकाल लेंगे। और बीज को आप फेंकिएगा नहीं, इसे यूज होगा, इसी रेसिपी में यूज होगा। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए बहुत आसानी से बीज निकल रहा है, हल्का सा बस साइड साइड से लगाते जाइए, क्रश करते जाइए, और आसानी से निकल जाएगा फ्रेंड। तो देखिए यहाँ पर बीज निकल गया है, और बाकी का भी फ्रेंड इसी तरह से निकाल के मिलते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए बीज निकल चुका है। तो चलिए इसको भरने के लिए सबसे पहले मसाले ऐड कर लेते हैं। तो मसाला में यहाँ पर फ्रेंड धनिया, जीरा, सौंफ, मंगरैल और अजवाइन। तो इसमें मेथी नहीं ऐड किए हैं, क्योंकि कड़वाहट ये खुद में अपने आप में कड़वा करेली है, तो यहाँ पर मेथी स्किप कर दिए, आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं। और इसे हल्का सा रोस्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है आपको। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ही रोस्ट कर लेते हैं, और कलर थोड़ा सा चटकने लगे, कलर थोड़ा सा आ जाएगा इसमें, तो गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, कलर चेंज होने लगा है, और मसाले से खुशबू भी आने शुरू हो गई है, और हल्का हल्का चटकना शुरू हो चुका है। तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए मसाले अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड, हम लोग गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं, और ऑफ करने के बाद फ्रेंड यहाँ पर हम लोग थोड़ी सी लाल मिर्ची को इसके ऊपर से ही ऐड कर लेंगे, ताकि अच्छे से सूखा हो जाए और इसकी नमी हट जाए और आसानी से पिस जाए। तो चलिए इसे ठंडा होने का वेट करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड मसाला ठंडा हो चुका है, और ठंडा मसाला हो चुका है तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए लहसुन और एक मिर्चा का अचार लिए हैं, और उन सारे मसाले को एक साथ में पीस के, तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए दरदरा सा पीसा गया है, बहुत ज़्यादा नहीं, और हल्का पानी डाल के। तो चलिए अब इसे हम लोग अच्छे से फील कर लेते हैं। तो फ्रेंड, मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर हम लोग मसाले को फील करते हैं, मसाले बहुत आसानी से इसमें फील हो जाता है। तो यहाँ पर बीच से प्रेस करते हुए उंगली से थोड़ा थोड़ा सा फील करेंगे, आप चाहे तो पूरा फुल भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर मसाले थोड़ा कम यूज करना है, तो इसलिए थोड़ा सा कम ही इसमें फील करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इसी तरह से हम सारे करेले को फील कर लेंगे, दो तीन हम करके दिखा दे रहे हैं। और ये देखिए बिना बीज निकाले वाले करेली है, इसमें बीज बहुत ही सॉफ्ट था इसलिए नहीं निकाली हूँ। तो फिर यहाँ पर देखिए दूसरा वाला भी फील हो गया, और इसी तरह से बाकी के जो बचा है सारे को हम फील करेंगे, बहुत ही आसानी से फील हो जा रहा है, और रेसिपी बन के तैयार भी बहुत जल्दी हो गया। तो फ्रेंड, इतना झटपट से बन जाने वाली रेसिपी, आपको करेले में बनाने में बहुत झंझट लगता है, तो ये वाला ट्रिक अपनाइए, फटाफट बन के रेडी हो जाएगा। आप चाहे तो मसाले सूखा पीस के रख सकते हैं, इसे जब भी आपको यूज करना है तो फट से उसमें थोड़ा सा खट्टा और नमक यूज कीजिए, मिर्ची, और तुरंत इसे बना लीजिए। तो चलिए यहाँ पर फील हो चुका है, तो हम कढ़ाई रखते हैं गैस पर और इसे फ्राई करते हैं। तो फिर यहाँ पर कढ़ाई रख दी है, और ऑयल गरम हो चुका है, और इसमें एक एक करके इसी तरह से ऐड करते जाएंगे, और इसे कवर कर देंगे। तो फिर ये देखिए करेली अच्छे से
एक साइड में कुक होना शुरू हो गया है, और जब तक ये कुक होगा तब तक हम लोग इसे वेट करेंगे पलटने के लिए। तो यहाँ पर कवर कर देंगे ताकि जल्दी से सॉफ्ट भी हो जाए। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कलर बहुत ही अच्छा सा दिख रहा है, ग्रीन ग्रीन। और यहाँ पर हम डालेंगे जो इसका बीज निकाल के रखे थे, इसके ऊपर से ऐड कर देंगे। और ये बहुत ही क्रिस्पी लगता है, खाने में बहुत ही मज़ा आता है। अगर आपको भी बीज पसंद हो तो ये वाला ट्रिक अपनाइएगा। इसके ऊपर से बाद में बीज जो फ्राई हो जाता है वो खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो फिर यहाँ पर चेक कर लेते हैं और इसे पलट के दूसरे साइड में पलट देते हैं। तो यहाँ पर दूसरे साइड में भी पलट दिए हैं। तो फ्रेंड देखिए दूसरी साइड का थोड़ा थोड़ा कलर चेंज हो चुका है। तो चलिए इसी तरह से हम लोग अलट पलट के दोनों साइड से कलर चेंज होने तक कलौंजी को फ्राई करेंगे। जब तक ये कुक अच्छे से ना हो तब तक हम लोग इसी तरह से फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड देख के आपको पता चल रहा होगा कि कितनी टेस्टी और यम्मी है। तो ये वाला ट्रिक ज़रूर अपनाइएगा। और यहाँ पर देखिए हाफ कुक हो चुका है, थोड़ी सी और ये कुक होना बचा है। 5 से 7 मिनट और लगेगा इसे कुक होने में। तो चलिए फ्रेंड हम लोग दोबारा से इसे कवर कर देते हैं और वेट कर लेते हैं 5 से 7 मिनट के बाद फिर चेक करते हैं। तो यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो चुका है और ये देखिए करेले का कलर और बिल्कुल कुक हो चुका है। तो थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, इसके बाद इसका गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए करेले की सब्जी बन के रेडी हो चुका है कलौंजी, और देखने में बहुत ही टेस्टी, खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो फ्रेंड देखने में बहुत ही अच्छी दिख रही है। तो चलिए इसे हम लोग प्लेट में लगा के मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर देखिए प्लेट में भी सर्व कर लिए हैं। और चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ में। और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।